अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। घर में चाहे एक भी चूहा घुस जाए, ना जाने ये खाने पीने वाला कितना ही सामान हो ख़राब कर देता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें इन्हें मारना भी नहीं है और सिर्फ हमें इन्हें अपने घर से भगाना है। उसके लिए हम छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले खाली बाउल लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून बेसन का आटा लेंगे। इस रेमेडी से आपके घर से चूहे ऐसे भागेंगे कि कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आपके घर में कभी चूहे आए भी थे। और 1 टेबल स्पून डिटर्जेंट डालेंगे। चूहे जो हैं हमारे घर में जब भी घुस जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, हमारे कपड़े काट देते हैं और बेडशीट जो होती हैं वो कतर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने मीठा सोडा डाला है। और कोई भी एक्सपायर टेबलेट हो तो वो मैंने, ये एक्सपायर मेरे पास टेबलेट पड़ी थी तो मैंने वो एक्सपायर टेबलेट ले ली है। तो आपके पास भी कोई भी एक्सपायर टेबलेट हो तो एक्सपायर ही टेबलेट डालनी है इसमें। तो मैंने 4 टेबलेट ली हैं। इससे जो है हमारी रेमेडी बहुत अच्छी बनेगी और इससे हमारे घर से चूहे भाग जाएंगे जल्दी से। और इसकी हम इस टेबलेट को हम इसके अच्छे तरीके से पीस लेना है और पाउडर की तरह बना लेना है और सादे वाटर से हमने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट जो है वो आपने ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ज़्यादा पतला बनाना है, इसका नॉर्मली बनाना है। और हमारे जब भी घर में चूहे घुस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो है हमें टेंशन हो जाती है, घर से बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं क्योंकि घर में जो कपड़े पड़े होते हैं बच्चों के, कंबल बिस्तर जो भी होते हैं वो कतर देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमें इन चूहों को कहते हैं, हम सुनते आते हैं बड़ों से भी यही कि चूहों को मारना नहीं है। तो हम चूहों को मारेंगे नहीं, हमें इन्हें सिर्फ भगाना है। तो आप ये पेस्ट जो है यकीन करें बना के आप ये जब इस्तेमाल करेंगे रेमेडी तो आपके घर से ऐसे चूहे भागेंगे ना आपके घर में चूहे मरेंगे ना ही आपको टेंशन होगी। क्योंकि जब चूहे हमारे घर में मर जाएं तो हमारे घर में जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं, जरासीम फैल जाते हैं और उस की वजह से हमारे बच्चे और ये टेंशन हमें होने लगती है। तो हमें चूहों को मारना नहीं है, हमें सिर्फ भगाना है। तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल करके अपने घर से जितने भी चूहे हैं तो उनको आसानी से भगा सकते हैं। और अगर आप ये जब भी इस्तेमाल करें रेमेडी तो आप उस तरीके से इस्तेमाल करनी है जब आप रात को यही बनाना है। पेस्ट जो है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने फिर ताकि जितनी भी आपने चीज़ें डाली हैं तो वो सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और आपने फिर एक रोटी ले लेनी है, उसके ऊपर जितना भी ये आपने जो पेस्ट बनाया था तो वो हमने इसी रोटी के ऊपर लगाना है सारा। और ये आपने रेमेडी तब इस्तेमाल करनी है जब आप बच्चे सब घर में फैमिली सो जाए और रात को बच्चे सो जाए ताकि ये उनके हाथ ना लगे। क्योंकि ये हमने इसमें एक्सपायर टेबलेट डाली है और जितनी भी ये चीज़ें डाली थी तो वो बच्चों से दूर ही रखनी चाहिए क्योंकि हमारे जो घर में बच्चे होते हैं तो वो अक्सर ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ में हाथ डालते हैं। तो आप बच्चों वाले जो घर में हो ये रेमेडी बनाएं तो एहतियात से बनाया करें, जब बच्चे सो जाएँ तो उसी के बाद ही आप ये रेमेडी बना के, आपने ये पेस्ट बना के इस पे रोटी पे लगा के अगर आप, और फिर ये जहाँ से आपको लगता है कि चूहे निकलते हैं तो आपने ये रोटी रख लेनी है। और अगर आपने पूरी रोटी नहीं रखना चाहते तो इसके छोटे छोटे पीस करके आपने ये रोटी के फिर जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं आपको लगता है आते हैं, रात को ज़्यादातर आते हैं निकलते हैं चूहे घर में, तो आप छोटे छोटे पीस करके आप रख लेना।